आज हम कन्वर्ट करने वाले हैं इस $1 की खटारा कार को मिस्टर बीस्ट की $100 मिलियन की गोल्डन फ्लाइंग कार में। वो भाई क्या सही लग रहा है ऊपर से लॉस एंटर्स। और देखेंगे कि क्या ये कार US आर्मी के मॉन्स्टर टैंक के वार को सह पाती है या फिर नहीं। एंड देन फायर। तो गाइज अभी हमने इस कार को $1 में खरीद लिया है इस बुढ़े से, जिसे पता नहीं कौन सी भयानक बीमारी हो रखी है। भाई ये पेट्रोल पी रहा है। वैसे तो यहाँ और भी बहुत सारी कारें हैं, बट ये सभी कारें काफी महंगी हैं। तो अभी लेके चलते हैं अपनी इस कार को अपने कार्स के शोरूम में, जहाँ हमारे पास एक से एक खतरनाक मॉडिफाइड सुपर स्पोर्ट्स कार्स हैं, जिनकी कॉस्ट एक नॉर्मल कार से 10 गुना ज्यादा है। तो अभी हम यहाँ से जल्दी से अपने शोरूम के लिए निकलते हैं, लेट्स गो। अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस कार को साफ करा लिया जाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा गंदी हो गई है। तो ये सामने ही रहा कार वॉश स्टेशन, जल्दी से इसे यहाँ लेके चलते हैं और कराते हैं इस कार को जल्दी से वॉश। हमारी कार अंदर आ चुकी है और तुम देख ही सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से हमारी कार को वॉश किया जा रहा है। तो तुम देख ही सकते हो कि कितनी बढ़िया तरह से हमारी कार चमक रही है। तो ऑल राइट गाइज, फाइनली हम अपने कार्स के शोरूम में पहुंच गए हैं। ये रहा हमारे कार्स का शोरूम और अभी हम जाने वाले हैं गैराज में, लेट्स गो। ये रहा एंट्रेंस और यहाँ देखते हैं, गेट भी खुल चुका है, चलो इसे अंदर लेके चलते हैं। पर गाइज मुझे लग रहा है कि यहाँ काफ़ी सारी कारें हैं, अभी इसे बाहर ही खड़ा देते हैं, लेट्स गो, इधर ही खड़ा देते हैं। तो गाइज यहाँ मैंने अपनी कार खड़ा दी है, तो अभी मैं तुम्हें मिलाने वाला हूँ GTA 5 के टोनी स्टार्क से, जो इतनी खतरनाक तरह से मॉडिफाइंग करता है कि क्या ही बताऊँ। तो कई ये रहा बैनी, यही है गाइस GTA 5 का टोनी स्टार्क, जल्दी से इससे बात करते हैं, लेट्स गो। तो अभी मैंने GTA 5 के टोनी स्टार्क से बात कर ली है, बैनी से बात कर ली है और इसे बोल दिया कि जो कार हम लाए हैं उस कार को तुम फ्लाइंग कार में कन्वर्ट कर दो। तो ऑल राइट गाइज, बैनी हमारी कार को मॉडिफाई करने लग गया है। जब तक ये हमारी कार को मॉडिफाई कर रहा है, तब तक मैं तुम्हें अपनी कार के शोरूम की कुछ खतरनाक कारें दिखा देता हूँ, लेट्स गो। ये सामने खड़ी है गाइज हमारे शोरूम की सबसे ज्यादा महंगी कार, पगानी। गाइज ये कोई आम कार नहीं है, ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कारों में से एक कार है और ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि गाइज ये पूरी की पूरी कार मॉडिफाई हो रखी है। और ये है हमारे शोरूम का मॉन्स्टर बुगाटी शेरॉन, और ये भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट कारों में से एक कार है। नेक्स्ट कार है लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर, जिसे पूरा का पूरा मॉडिफाई कर रखा है। ये है BMW MG, जिसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मॉडिफाई कर रखा है। हमारी लास्ट कार है लैम्बोर्गिनी सियान, भाई इस कार को कौन नहीं जानता। टेक्नो गेमर ने अपनी वीडियोस में इस कार को इतना यूज किया है कि सभी अब इस कार के बारे में जानते ही हैं। तो गाइज ये रहा मेरा छोटा सा कार्स का शोरूम। गाइज अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया है, मुझे लगता है कि बैनी ने हमारी कार को मॉडिफाई कर दिया होगा, लेट्स गो जाके देखते हैं। एक बार ये देखो भाई, बैनी ने हमारी कार को गोल्डन पेंट कर दिया है और पीछे भी कुछ काम ये कर रहा है। और एक बार यहाँ देखो, पीछे से लग ही रहा कि भाई ये वो कार है जो हम $1 में खरीद के लाए थे। तो ऑल राइट गाइज, फाइनली हमारी कार फ्लाइंग कार में मॉडिफाई हो चुकी है, तो जल्दी से इसे बाहर लेके चलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेट्स गो। ओके, अभी मैंने इसे बाहर निकाल दिया है, थोड़े ध्यान से चलाना पड़ेगा क्योंकि गाइज यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और मैं चाहता नहीं मेरी कार यहाँ ठुके। तो अभी सबसे पहले मैं इसे बिना फ्लाइंग मोड से चलाने वाला हूँ, देखते हैं इसमें कितनी ज़्यादा स्पीड है। वो भाई साहब, इसे तो बैनी ने रॉकेट बना दिया भाई। तो अभी गाइज मैंने इसका फ्लाइंग मोड ऑन कर दिया है और एक बार तुम इसकी आवाज़ सुनो और नीचे लगे हुए फैंस की वजह से जो धूल उड़ रही है वो भी देखो। तो गाइज अब मुझसे वेट नहीं हो रहा, जल्दी से इसे उड़ाते हैं, लेट्स गो। ओ भाई, ये तो भाई सीधा ही उड़ गई, मुझे लगा पहले ये भागेगी यार, देन ये टेक ऑफ करेगी। ओ भाई साहब क्या सही लग रहा है भाई यहाँ से नज़ारा। और हम इसे राइट और लेफ्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमें राइट को जाना हो तो इसके लेफ्ट वाले विंग्स नीचे हो जाते हैं और अगर हमें लेफ्ट को जाना हो तो इसके राइट वाले विंग्स नीचे हो जाते हैं। अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अरे यार यहाँ से क्या सही लग रहा है लॉस एंटर्स। गाइस तुम सोच रहे होंगे कि इतनी भी क्या ही बड़ी बात है, GTA 5 में हम हेलीकॉप्टर के थ्रू भी उड़ सकते हैं, बट गाइस इस कार को चलाने में उड़ाने में अलग ही मजा आ रहा है। अभी मैं अपनी फ्लाइंग कार को एयरपोर्ट में लैंड कराने वाला हूँ, बस मुझे बैक का बटन दबाना है जिससे ये आराम से नीचे आ जाएगी। ये काफ़ी नीचे तो आ गई है, अब बस ये आराम से लैंड हो जाए, लेट्स गो। ऑल राइट ये लैंड, ओके ओके फिर से उड़ने लग गई, यहीं से खड़ा देते हैं। ऑल राइट ये बढ़िया तरह से लैंड हो चुकी है।
तो गाइस टाइम आ चुका है ये देखने का कि क्या ये हमारी 100 मिलियन की गोल्डन फ्लाइंग कार सामने से आते हुए मॉन्स्टर टैंक का मुकाबला कर पाती है या फिर नहीं। ये है गाइस यूएस आर्मी का 1960 मॉन्स्टर हाइपर टैंक और ये इतना पावरफुल है कि इसके वार से आज तक कोई टैंक नहीं बचा है। तो गाइस देखते हैं कि क्या होगा जब हम इस टैंक को अपनी कार पे टेस्ट करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं इस टैंक पे, लेट्स गो। गाइस ये है इस टैंक का ऑपरेटर, अभी मैंने इससे बात की और कहा कि हम इस टैंक को चलाना चाहते हैं, तो गाइस इसने हमें परमिशन दे दी है इस टैंक को चलाने के लिए। तो गाइस जल्दी से चलते हैं इस टैंक पे, अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि जब हम इस टैंक की मिसाइल को अपनी कार पे फायर कराएंगे तो भाई हमारी कार का क्या होता है। वैसे तो गाइस मुझे लगता है कि कार नहीं बचने वाली, तो ऑल राइट हम टैंक के अंदर आ चुके हैं, लेट्स गो। तो ऑल राइट मैंने अपने कार पे पूरा एम ले लिया है एंड देन फायर। ओ भाई साहब कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ भाई, जल्दी से चलते हैं भाई देखने कि क्या हाल हुआ है हमारी कार का। ओके भाई ये रही हमारी 100 मिलियन डॉलर की गोल्डन फ्लाइंग कार। भाई क्या हालत हो रखी है इसकी यार, इसको देख के कौन बोलेगा कि ये कार 100 मिलियन डॉलर की गोल्डन फ्लाइंग कार थी। भाई हर जगह तो आग आग ही हो रखी है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय देन फायर। अरे भाई ये तो सच में ही उड़ गई।